दोस्तों मैं आ चुका हूँ और एक हॉन्टेड वीडियो के साथ। आप लोग बहुत मैसेज करते हो कि पवन भाई कोई हॉन्टेड वीडियो हो तो जल्दी लाओ जल्दी लाओ। एक्चुअली मेरे और भी चैनल्स हैं तो मैं उसके ऊपर काम करता रहता हूँ, तो हॉन्टेड वीडियो मैं हफ्ते में दो या एक ही ट्राई करता हूँ जो मैं आप लोगों को बता सकूँ। तो आज जिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप लोग के पास भी कोई अगर ऐसी कोई कहानी होगी आप लोग मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, जाके आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और मुझे बता सकते हो आपकी भी अगर कोई ऐसी कहानी होगी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जो आप लोग भी देखे होंगे कि एक दुल्हा है और एक दुल्हन है, ठीक है। तो दुल्हन बैठी हुई है और उसके अंदर शादी के वक्त जो जयमाल होता है या फेरे कुछ उन लोग के चालू होंगे तब उसके आंख के अंदर भूत आ जाता है। अब वो भूत आने का मतलब उसका रिएक्शन ऐसे चेंज होता रहता है, धीरे 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 रिएक्शन चेंज हो रहा है, ऐसा बैठा है, फिर उसके बाद आंखें बड़ी हो जा रही है, आंखें बड़ी होने के बाद फिर रिएक्शन चेंज हो जा रहा है, एकदम आगे पीछे कुछ करने लग रही है, जो वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो ये वीडियो जहां तक मुझे देखने में लगा तो मुझे ऐसा लग रहा था, पर्टिकुलर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये फेक है कि नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा था शायद हो सकता है ये वीडियो बनाने मतलब इसी तरीके से कुछ दिखाना चाहते होंगे, इस वजह से ये वीडियो ऐसा क्रिएट किया गया होगा। तो मेरा अगर मानना हो तो मैं यही बोलूंगा कि शायद ये वीडियो फेक है या सच भी हो सकता है। ये जो वो वीडियो जानता होगा, चाहे जो आस पास होगा वो लोगों के, उन लोगों को पूरा नॉलेज होगा कि ये फेक है, बनाया गया है या फिर ओरिजिनल में किसी के साथ ऐसा हुआ था। अगर आप लोगों को भी पता है कि ये किसी के साथ हुआ है तो प्लीज़ मुझे नीचे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि ये सच में है या ये फेक ही इन लोग ने ऐसा क्रिएट किया है। क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं कि शादी के वक्त देखो अगर ऐसा कभी भूत आता है तो वो कोई एक ऐसा पर्टिकुलर जगह पे आता है, या आप किसी तांत्रिक या किसी पंडित के सामने बैठे हो तब आपके आंग में आ गया हो, या फिर कोई ऐसी रात हो, रात के टाइम आ गया, ऐसा शादी के वक्त इस तरीके से बिहेव करना, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो लड़की को शादी ही नहीं करना हो तो उसने कुछ इस तरीके से कुछ प्लान किया हो कि अगर मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो शायद मेरी शादी कैंसिल हो जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट करके बता देना आप लोग। मुझे तो यही लगता है कि शायद ये वीडियो फेक है, क्योंकि अगर हम एक ऐसा पर्टिकुलर जगह पे सोचते हैं कि हाँ चलो ठीक है शादी के मंडप में इस तरीके से रिएक्ट करना, वो मुझे थोड़ा फेक भी लग रहा था। तो आप लोग को क्या लगा नीचे कमेंट करके बता देना। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड इंसिडेंट जो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। जैसे आप लोग ने देखा होगा शमशान घाट, तो शमशान घाट में चिताएं जलाई जाती है, लोगों को जलाया जाता है, बट वहां पे कुछ ऐसा क्रिया करना या वहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक तरीके करना या वहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें फैलाना, ये सारी चीज़ें मैंने जहाँ तक देखा है नहीं देखी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि शमशान घाट से शांत जगह कोई नहीं है, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि शमशान घाट अगर आप रात के 3 बजे जाओगे तो आप कोई ना कोई एक प्रेत आत्मा या कोई एक भूत आपके साथ लेके ही आओगे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के अपने अपने कहने होते हैं, लेकिन ये जो वीडियो मैं अभी आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ ये वीडियो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। शायद ऐसा लग रहा है कि किसी ने किसी को मार के किसी का बदला ले लिया हो, मुझे ऐसा लगता है। वो वीडियो कुछ ऐसे ही मुझे प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे समझो कि वो अगर मर गया है तो जो सामने वाला जो है तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई उस चीज़ से, वो उस तरीके से कुछ प्रिटेंड कर रहा था। तो सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देख लो। तो फाइनली आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। अब इसके अंदर आप लोगों को क्या लगता है कि ये क्या सीन हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा था, वो लेडी थी शायद, मे भी उनके हाथों में चूड़ी वगैरह थी, और जिस तरीके से एक दिन सबको जाना ही है, और मुझे तो बिल्कुल वो सारी चीज़ें कुछ समझ में नहीं आई। अगर आप लोग को थोड़ी बहुत भी आई होगी तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि एक्चुअल में ये क्या सीन है, ये क्या इसको बोला जाएगा। क्योंकि जहाँ तक मैं सुना हूँ या आप लोग भी सुने होंगे कि शमशान घाट के पास इस तरीके की चीज़ें नहीं होती ज़्यादा, बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव भी बोलते हैं, लेकिन ये जो मैंने देखा ये मेरे लिए तो लिटरली बहुत ही शॉकिंग तरीके का था। अब बारी है थर्ड वीडियो को लेके। ये थर्ड वीडियो किसी गांव का है और ये गांव में ऐसा कहा गया है कि बच्चे लोग हैं, मतलब जैसे बहुत सारे लोग रात में चले जाते हैं, कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं, कहीं ऐसे बहुत सारे आवारा लोग होते हैं जो
सिगरेट पीने चले जाते हैं, दारू पीने चले जाते हैं, तो रात के टाइम ही लोग निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3-4 लोग हैं और उन्होंने क्या देखा कि एक रेड कलर की साड़ी बोलेंगे या गाउन बोलेंगे, वो रेड कलर की साड़ी या गाउन में कोई एक लेडी उनको वहां पे ऐसी खड़ी दिखी। ठीक है, अगर वो खड़ी दिख रही है तो उसके बाद जैसे जैसे वो लोग वीडियो बना रहे हैं, जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो लेडी धीरे धीरे इन लोग की तरफ आगे की तरफ बढ़ रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ये वीडियो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग भी जज करना कि एक्चुअल में ये सही है कि गलत है। पहले आप लोग की वीडियो देख लो। वो देखो बैठी थी, ये पत्थर बूटे में छपाई छपी फाइनली आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया होगा। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि जहां तक मैं भी समझ रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये वीडियो भी फेक ही है। क्योंकि अभी आजकल कैसा है कि यूट्यूब पे लोग हॉन्टेड चीजों को ज्यादा सर्च करते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि हॉन्टेड जगह पे चले गए या किसी को ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया जिस वजह से लोगों को लगे कि ये हॉन्टेड है, तो उस पर व्यूज वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं। तो इस तरीके से कुछ वो मुझे लगता है क्रिएट किया गया होगा। और अगर सच होगा या क्रिएट किया गया, आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना। आजकल तो मुझे ऐसा लग रहा है यार, कुछ चीजें मैं, चलो ये चीज मैं बोल सकता हूँ कि अगर ब्लैक मैजिक है तो वो हो सकता है। देखो ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज होती है ना, वो भूत नहीं बोलेंगे आप उनको कि भूत से अटैक किया गया, लेकिन वो धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को खाएगा, धीरे धीरे आपके शरीर को खाएगा और आपको खोखला कर देगा। ब्लैक मैजिक बहुत पावरफुल होता है, लोग उसको हल्के में लेते हैं, लेकिन उसको हल्के में लेने की बिल्कुल वो नहीं होता। वो इतना पावरफुल चीजें होती है ना, वो आपको धीरे धीरे इतना खोखला कर देगा, धीरे धीरे आपकी जिंदगी ऐसी खराब करके, आपकी जिंदगी को ऐसा लात मार के, मतलब समझो वो जीना ना जीना एक बराबर हो गया। तो इस तरीके के हाई लेवल की ब्लैक मैजिक होती है भूत। चलो किसी के ऊपर आ गया तो कुछ तंत्र विद्या से कुछ हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप खोखले हो गए, चलो ब्लैक मैजिक करके आपको खोखला कर दिया गया, तो आपको उससे रिकवर होने में भी तो टाइम जाएगा ना। तो आपका समझो 5 साल में आप रिकवर हुए, ठीक है, ब्लैक मैजिक की आप 5 साल में रिकवर हुए, तो 5 साल बाद आपको फिर से आगे के फ्यूचर के लिए रिकवर होने में 5 साल और चले, तो आपका जो बीच का 10 साल है वो बर्बाद हो गया। अब ये ब्लैक मैजिक किसी भी वे से हो सकता है, समझो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो ब्लैक मैजिक में ऐसा कुछ दिखा देंगे कि आपका एक्सीडेंट हो गया। अब ये हर चीज अपन बोलते चलो ऊपर भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, या तो बहुत सारे लोग इसमें नेगेटिव होते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं आप लोगों के लिए। हमेशा आदमी क्यों बोलता है पॉजिटिव रखो, भगवान का नाम लो, लेकिन इसमें कैसा होता है, बहुत सारे लोगों से ऐसे होते हैं ना जो आपके आसपास ही है, लेकिन वो आपको लेके नेगेटिव थॉट्स रखे हमेशा, यार ये डूब जाए मजा आ जाएगा, ये मर जाए मजा आ जाएगा। तो वो जो नेगेटिव चीजें अगर आपको लेके ज्यादा हो गए ना, इसलिए लोग क्यों बोलते हैं अच्छा काम करो, लोग बोलते हैं ना कि यार एक काम दिन में अच्छा कर दो या एक किसी की मदद कर दो, क्योंकि ये जो अगर तुम 10 नेगेटिव पीपल पाल रहे हो ना, तो दिन भर तुम 10 नेगेटिव चीजें, नेगेटिव हाई ले रहे हो, लोगों की नेगेटिव बातें आप लोग सुन रहे हो, तो वो नहीं। इसलिए थोड़ा अगर आप अच्छा काम करोगे, तो अगर समझो 10 आपने नेगेटिव लिया, तो वो एक अच्छा काम उस नेगेटिव चीजों को काट देता है। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि दिन में एटलीस्ट 1-2 काम आप अच्छे करो या 1-2 लोगों से अच्छी चीजें सुनो, तो उससे क्या होता है आपका वो नेगेटिव चीजें नहीं होती। तो बहुत सारी चीजें होती है भाई ब्लैक मैजिक को लेके। तो मैंने सोचा आप लोग के लिए ये वीडियो बनाया, क्योंकि ये वीडियो बहुत सर्कुलेट हो रहा था इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे सर्कुलेट हो रहा था कि किस तरीके से वो दुल्हन ऐसा रिएक्शन कर रही थी। पर जहां तक मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है वो फेक होगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताएं। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, लव यू, टाटा, मिलते हैं।